सकते हो आप, मैं बना रही हूँ मटर पनीर। मैंने इसमें छौंका है जीरा और प्याज बस अभी ऑयल में, और ये मैंने कट किए हैं दो टमाटर। मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी और इसमें एक सीटी लगा दूँगी हल्दी के साथ। तो ये क्या होता है हमारा मसाला जो है। तो गाइस देख सकते हो मैंने एक सीटी लगा दिया है इस प्याज टमाटर के मसाले को, और अब मैं इसको इसके थ्रू थोड़ा सा मैश करूँगी। हमको पेस्ट नहीं करना है, हमको थोड़ा सा मुँह में आने के जैसे थोड़ा सा रखना है बाइंडिंग, ताकि हमारे मुँह में भी ना आए और वो सॉफ्ट बन जाए थोड़ा सा। देखो तो मैंने मसाले क्या क्या लिया है। मैंने नमक स्वाद अनुसार लिया है, और ये है किचन किंग एक चम्मच ये वाला, और ये चम्मच आधा चम्मच जीरा पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा उससे कम, और ये है चाट मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, और एक चम्मच है धनिया पाउडर। तो ये मैं मसाले डालूँगी इसमें, और ये मेरा पेस्ट हो रहा है रेडी। तो अब गाइस मैं इसको भून लूँगी थोड़ा सा अच्छे से, जब तक कि ये थोड़ा तेल ना छोड़ दे, फिर उसके बाद हम इसमें मसाले डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। ये मसाला मेरा जो है भून रहा है, और पनीर मैंने घर का पनीर बनाया है तो मैं वो ऐड करूँगी। बाजार का पनीर भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरे पास दूध था तो मैं घर का पनीर ऐड करूँगी। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस देख सकते हो आप मेरा मसाला भून चुका है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ ये ड्राई मसाले सारे, और इसको मैं 2-3 मिनट तक भूनूंगी, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे ये वाले मटर जो मैंने पानी में डाल के रखे हैं, फ्रोजन मटर। और ये है मेरा घर का पनीर जो मैंने घर के दूध से बनाया था। मैंने इसको गर्म पानी में थोड़ा सा डाला है ताकि सॉफ्ट रहे, देखिए ये। तो गाइस देख सकते हो आप मैंने इसमें जो मेरा मसाला था वो भून चुका है, और मैंने इसमें ऐड कर दिया मटर, और मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 गिलास पानी, और ये है मेरे घर की दूध की मलाई जो मैं इसमें ऐड करूँगी। और मैं इसको एक सीटी दूँगी, क्योंकि मुझे पनीर को जो है इसमें डाल के पकाना नहीं है, मुझे जो है पनीर इसके हीट में पकाना है। तो जब एक सीटी लगा के मैं इस कुकर को खोलूँगी तब मैं अपना पनीर ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता वो पनीर जो है लोग फ्राई करके डालते हैं या सीटी देते हैं या पनीर को उबालते हैं, उसमें ना उस पनीर जो है पनीर का स्ट्रक्चर जो है मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप मेरे वाला ट्राई करके देख सकते हो स्टाइल पनीर को ऐसे। तो गाइस मैं दिखा देती हूँ आपको मेरे मटर पनीर की लास्ट वाली शक्ल। मतलब मैंने डालने के बाद पनीर डाल दिया था मैंने गर्म कुकर में जब उसमें भाप थी, तो और इस तरह से मेरा मटर पनीर देख सकते हो आप कितना लाजवाब लग रहा है। मैंने इसमें मलाई डाल दी थी, तो ये रहा मेरा लाजवाब पनीर, आप भी ट्राई कीजिए। हाय गाइस जैसे कि देख सकते हो मैं बनाने जा रही हूँ पालक का सूप। तो मैंने लिया एक छोटा प्याज, एक गाजर, 3 अदरक की कलियाँ, और 4-5 मैंने लिए हैं, 5-6 लिए मैंने ब्लैक पेपर, थोड़ा सा अदरक, टमाटर, मक्खन और पालक, और ये है धुली मूंग। तो हम ये सब डालेंगे इस कुकर में। पहले हम डालेंगे इसमें मक्खन, उसमें हम डालेंगे गार्लिक, फिर डालेंगे हम ये प्याज, फिर हम डालेंगे जिंजर, फिर हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर, और हम इसको थोड़ा सा सॉटे होने देंगे ताकि जो अनियन का जो कच्चापन है वो निकल जाए, नहीं तो सूप में जो है इसकी बदबू आएगी। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो सर्दियां आ चुकी हैं और पालक गर्मा गर्म सूप का टाइम आ चुका है। सॉरी बाहर बच्चा जो है गिटार पियानो प्रैक्टिस कर रहा है तो वो पियानो की आवाज़ आ रही है, बट मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पालक का सूप, सर्दियों का सूप, आप भी अपने बच्चों को पिलाइए। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता कृष्ण मेड जर्नी। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज है थर्सडे, आज है देव उठनी एकादशी, तो आज मेरा भी फास्ट है, और मैं सुबह सुबह नहा धो के रेडी होके पूजा करके और एक बच्चे का खाना वाना बना के उसको भेज भी दिया, तो ये आज मेरा सुबह का रूटीन था।
तो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ, कैसे पूजा करने वाली हूँ और क्या क्या करने वाली हूँ, मतलब दिखाऊंगी आज मैं आपको, कुछ अलग होगा। मैं हर साल करती हूँ पर मैं इतना नहीं करती, पर इस साल बिकॉज ऑफ मुझे आप लोगों को भी दिखाना है तो मैं सोची मैं कुछ डिफरेंट करूँ, तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, बने रहे मेरे साथ। चलिए और ये है श्री कृष्ण बालाजी, फ्रेश फ्लावर्स, मंदिर आए हम, देखिए कितने सुंदर। और ये रहे तुलसी जी, कितने भाई, शादियों का टाइम आ गया और सफेद घोड़े, कितनी सुंदर है नर्सरी प्लांट्स। बाय बाय। भागते भागते मैं गई, भागते भागते मैं आई, मंदिर भी गई, घर भी गई, कुछ पूजा की चीजें मिली कुछ नहीं मिली। क्या हाल हो गया है, ऑटो में गई ना तो देखिए बालों का क्या हाल हो गया है, बट अच्छा लगा, ये ऐसे करना चाहिए। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ करने वाली हूँ। और गाइज आप देखिएगा देखिएगा, मतलब मैं हर साल करती हूँ बट ये आपके लिए पहली साल होगा जो मैं दिखाऊंगी आपको। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ करना। चलिए बने रहिए। तो गाइज देख सकते हैं मैंने बनाई है रंगोली, फूलों की रंगोली, रंगों की रंगोली। आज है एकादशी। तो गाइज दिखा देती हूँ आपको थोड़ी सी, मैंने तैयारी की है। आज है देव उठनी एकादशी, तो मैंने तुलसी मैया का भी स्थान जो है तैयार किया है, दिखाती हूँ आपको। तो ये देख लीजिए मेरे तुलसी मैया का स्थान, अभी अधूरा है, अभी मैंने सजाया नहीं है, अभी सजाऊंगी। तो गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी तुलसी माँ के श्रृंगार की थाली, जो मैंने चूड़ियाँ, फूल, मेहंदी, ये है काजू, हल्दी और ये है कुमकुम, ये मैं तुलसी माँ को श्रृंगार चढ़ाऊंगी। तो गाइस दिखा देते हैं आपको कि हमने आज तुलसी विवाह के लिए क्या प्रसाद बनाया है, भोग क्या बनाया है, दिखा देती हूँ मैं आपको। सिंपल बनाया है क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी ठीक है, जो भी है, आज भगवान ने मेरी बहुत परीक्षा ली है पर मुझे करना था, मैंने किया। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, मैंने मीठे में बनाई है खीर, सब्जी मैंने बनाई है सूखे आलू की सब्जी, और मैंने बनाया है ये सुंडल, ये चना दाल की सब्जी है, सुंडल सूखी सब्जी, और मैं इन सब के साथ पूरी बना दूंगी, फिर इसको भोग लगाएंगे हम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी, नमोस्तुते नमोस्तुते। ध्रुवं समर्पयामि, पुष्पं सर्वं प्रयामि, दक्षिणा सर्वं प्रयामि,
हे भगवान, जिसके भी घर में कर रही उनके घर को ऐसे ही फलते फूलते रखना भगवान, इतनी शक्ति देना भैया भाभी को, थैंक यू ये भैया भाभी के लिए, ये भैया भाभी की तरफ से, ये मेरी YouTube फैमिली की तरफ से, भगवान मेरी पूजा को स्वीकार करें, सफल करें, और ये आपको आरती, और ये आपको आरती जो थोड़ी भी मदद नहीं करते हैं, बट ठीक है भगवान देख रहे हैं, बस तो गाइज हो चुकी है मेरी पूजा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने सजाया है, कैसे क्या किया है, दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे भगवान जी के शुभ चरण पुष्पों के उस पे चल कर आएंगे, और ये मेरी तुलसी माता जिनका आज विवाह हो गया है, ये हमने मेहंदी लगाई थी, ये हमने हाथ बनाए हैं। देखिए प्रथम पूजनीय गणेश जी से हमने शुरू की पूजा, फिर नारायण जी, तुलसी जी, और ये हमने चढ़ाया है मंगलसूत्र बनाया है, चूड़िया सिंगार का सारा सामान हमने चढ़ाया है, और ये मेरे मैम की बेटी ने बनाई है मेहंदी, और ये मैंने बनाई है मेहंदी, ये सो क्यूट, और हमने ऐसे चढ़ाया है भगवान को भोग, जो जो मेरे बस में था मैंने चढ़ाया। तो ये है मेरी आज की पूजा, भगवान की पूजा, और मैंने मंदिर को भी ऐसे सजाया है। तो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। तो अब मैं दिखा देती हूँ मुख्य द्वार को भी हमने कैसे सजाया है, दिखा देती हूँ। आपने देखी होगी हमने रंगोली बनाई, पर अब हमने क्या किया है उस पर, तो हमने इसमें दिए जला दिए हैं ऐसे, और ये है ओम, तो मैंने कुछ इस तरह से ये रंगोली बनाई, सजाया फूलों को। तो अब आप लोग बताइएगा कैसे लगा मेरा पूजा, कैसे रहा डेकोरेशन, कंजूसी मत कीजिएगा। ओके गाइस, तो आज का ये था मेरा वीडियो, मेरा पूजा आपने देखा मैंने कैसे किया, क्या भोग लगाया, क्या मेरी क्षमता थी, मैंने क्या दिया। आज मेरे साथ बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मतलब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, पर मैंने फिर भी किया, क्योंकि जो मेरी आस्था है मैंने उसमें खलल नहीं आने दिया, करती गई बस भगवान का नाम लेके, और मैंने कर ली। तो कैसी लगी आपको मेरी पूजा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता कृष्ण मेड जर्नी। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। और आज है तुलसी विवाह, आज है मेन तुलसी विवाह, कल थी देव उठनी एकादशी। तो आइए मेरे तुलसी मैया के दर्शन आपको कराऊं, और शिव जी के भी दर्शन कराऊं, आइए शिवलिंग पार्वती सबके दर्शन कराएं, आपका भी जीवन धन्य हो जाए। आइए, तो यहां से मेरे शिव जी की बारात आई है, हमारे प्रथम पूजनीय गणेश जी आए हैं विवाह में शामिल होने के लिए, विष्णु भगवान आए हैं, और ये है मेरी तुलसी मैया जिनका आज विवाह है हो गया, और ऐसे है मेरा देव मंदिर। तो आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी का जीवन धन्य हो, अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, अच्छा घर मिले, यही मेरी कामना है। और आप लोग मेरे लिए भी कामना कीजिए कि मुझे भी अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, अच्छा घर मिले, तो सबके साथ। और एक लाइक करना जरूर बनता है गाइस, और सब्सक्राइब भी कर ले मेरे चैनल को, और क्या बोलूं, ठीक है अब आपकी मर्जी, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलिए थैंक यू।